नागदा में ऑटो चालक और अन्य युवकों के साथ जीआरपी आरक्षकों द्वारा मारपीट करने के विरोध में ऑटो यूनियन ने हड़ताल कर दी, जिसको लेकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसआरपी ने दोपहर में दोनों आरक्षकों को निलंबित कर जांच के लिए जीआरपी थाना प्रभारी शामगढ़ को नागदा भेजा। टीआई ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से चर्चा कर जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद ऑटो चालकों ने हड़ताल वापस ली। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ था रात में? रात में मेरे ऑटो चालक भाई हैं, उनके भाई दो भाई ट्रेन से जबलपुर सोमनाथ से नागदा आ रहे थे, उनका मोबाइल चोरी हुआ और ट्रेन में, तो उन्होंने सबसे पूछा पैसेंजर से, तीन चार पैसेंजर ने अपनी एक बात थी हमारे पास में, तो तीसरा जो एक दामोदर करके कोई पैसेंजर था उससे बात करी, तो उसने उठा कर हमारे जो साथी है राजा उसको चाटा मार दिया, हमारे साथी ने उसको चाटा मारा, तो उसको नागदा में उतर कर उनको तीनों तीन लड़के थे बाहर के और जो नागदा के दो लड़के थे आटो चालक उनको जीआरपी थाने ले गया। जीआरपी थाने में जो तीनों चोर थे उन्होंने रास्ते में मोबाइल फेंक दिया और उन तीनों चोर से तो कुछ पूछताछ नहीं करी, पुलिस प्रशासन ने बिठा दिया जीआरपी ने, जो ऑटो चालक थे उनको मारपीट करी, बहुत ज़्यादा मारपीट करी, वो सब उनको फिर मारपीट करके छोड़ दिया। मारपीट करके छोड़ने के बाद वो सिविल हॉस्पिटल आए मेडिकल करवाए, फिर मेरे पास फोन आया तो मेरे घर से लेना है, मेरे घर से लेके आते हैं सिविल हॉस्पिटल आए, सिविल हॉस्पिटल से हम आरपीएफ थाने गए और बातचीत करके उन्होंने जीआरपी थाने गए। जीआरपी थाने में हम बातचीत करने जा ही रहे थे कि जैसे गेट पर पहुंचे तो दो पुलिस रवि भाई वो अपने नरेंद्र सिंह बिल्डा नंबर 433 इन्होंने मेरे को पकड़ के अंदर खींचा और मेरे साथ भी ऐसे ही व्यवहार करा जैसा राजा इन्होंने साथ करा था, उन्होंने कपड़ा पीस के बहुत ब्लड से और बेल्ट से मारा, सर में भी दो टाई पेयर में और छाती में खूब मारा, सर में टाँग के आया और अभी से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, बस प्रशासन ने सर में काम करा, सभी ऑटो चालकों ने आपको ज्ञापन दिया, आप अभी इनके जो दोषी हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? इनके ऊपर जांच के बाद तक जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी कड़ी से कड़ी वो की जाएगी। सुरक्षा की उम्मीद रखता है, शांति व्यवस्था कायम रखने की उम्मीद रखता है। आज जो घटना कल रात में ऑटो चालकों के साथ में हुई, उनके पूर्व अध्यक्ष के साथ में हुई, तो पुलिस का चेहरा कलंकित करता है। जैसा कि हमारे ऑटो चालकों भाइयों ने मेरे को बताया कि रात में वो नशे में धुत तीन आरक्षक थे जीआरपी के, उन आरक्षकों ने कोई मोबाइल चोर का एक आरोपी पकड़ा था, तीन आरोपियों को पकड़ा था, और वो जब घटना इन ऑटो चालकों को मालूम पड़ी और वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ बैठ के वो लोग दारू पी रहे थे आरक्षक जीआरपी वाले, उसकी कहीं कैमरे में रिकॉर्डिंग करी तो उस बात से गुस्सा होकर उन्होंने उसके हमारे खलील भाई है एक अरबाज है इन लोगों के मुंह में कपड़े डालकर ना इनके साथ खरगोन ड्राइवर